दोस्तों एक बार फिर आपका एस एकेडमी पर स्वागत है। फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम ऑन एस एकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। आज हम गैसों का अणुगति सिद्धांत तथा आदर्श गैस का दाब इस टॉपिक के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सर्वप्रथम गैसों के अणुगति सिद्धांत की अभिधारणाएं। अकॉर्डिंग टू इट अ गैस इज मेड अप ऑफ टिनी इनविजिबल परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। इस सिद्धांत के अनुसार गैस अत्यंत छोटे अदृश्य पूर्णतः प्रत्यास्थ कणों से मिलकर बनी है। इन कणों को अणु कहते हैं। सो गैस इज मेड ऑफ टिनी इनविजिबल परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। गैस अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य तथा पूर्णतः प्रत्यास्थ कणों से मिलकर बनी है। ये कण अणु कहलाते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए प्योर गैस आर आइडेंटिकल। एक शुद्ध गैस के अणु सदृश्य या एक जैसे होते हैं। एंड दे मूव कंटिन्यूअसली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस एंड विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। तथा ये अणु सभी संभव दिशाओं में सतत रूप से सभी संभव वेगों से गति करते हैं। तो शुद्ध गैस के अणु देखने में एक जैसे होते हैं, सदृश होते हैं, तथा ये सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेगों से सतत रूप से गति करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए प्योर गैस आर आइडेंटिकल एंड दे मूव कंटिन्यूअसली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस एंड विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। द गैस एग्जर्ट्स अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द चेंबर इन विच इट इज फील्ड। गैस जिस पात्र में भरी होती है उस पात्र की दीवारों पर दाब लगाती है। द मॉलिक्यूल्स ट्रेवर्स अ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। गैस के अणु किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य एक सीधी रेखा में गति करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ट्रेवर्स अ स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स is infinitely small as compared to the distance traversed by the molecules in between any two successive collisions. The size of the molecules is infinitely small. गैस के अणुओं का आकार दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी की तुलना में अनंत सूक्ष्म होता है। गैस के अणुओं का आकार उन अणुओं द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी की तुलना में अनंत सूक्ष्म होता है।
The size of the molecules is infinitely small as compared to the distance traversed by the molecules in between any two successive collisions. The collisions are instantaneous. टक्कर है तात्क्षणिक होती है. इसका मतलब टक्करों के बीच में ज्यादा टाइम नहीं लगता है. दे आर इंस्टेंटेनियस. टक्करें तात्क्षणिक होती हैं. देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द कॉलिजन्स. टक्करों में गतिज ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है. देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द कॉलिजन्स. टक्करों में गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती है. द मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट व्हेन दे कोलाइड एंड द होल मॉलिक्यूलर एनर्जी इज काइनेटिक. द मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर. अणु एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाते हैं एक्सेप्ट व्हेन दे कोलाइड. केवल उस समय उनके मध्य बल लगता है जब वे एक दूसरे से टकराते हैं. एंड द होल मॉलिक्यूलर एनर्जी इज काइनेटिक. तथा संपूर्ण आणविक ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है. तो अणु एक दूसरे से टकराने के अलावा एक दूसरे पर बल नहीं लगाते हैं तथा उनकी संपूर्ण आणविक ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है. The volume of the molecules is negligible in comparison to the volume of the vessel in which gas is filled. The volume of the molecules is negligible in comparison to the volume of the vessel in which gas is filled. अणुओं का आयतन उस पात्र के आयतन जिसमें की गैस भरी है की तुलना में अत्यंत कम होता है या नगण्य होता है. अणुओं का आयतन जिस पात्र में गैस भरी है उस पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है. The intermolecular distance in a gas is very large. Intermolecular distance in a gas is very large. So, the molecules are free to move in the entire space available to them. गैस में अणुओं की अंतर आणविक दूरी अत्यंत अधिक होती है. इसलिए गैस के अणु जिस पात्र में गैस भरी है उस पात्र में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं. क्योंकि गैसों में अंतर आणविक दूरी अत्यंत अधिक होती है अर्थात अणुओं के मध्य दूरी
अत्यंत अधिक होती है, इसलिए गैस के अणु जिस पात्र में गैस भरी है उसमें उपलब्ध संपूर्ण स्थान में मुक्त रूप से विचरण करते रहते हैं या गति करते रहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कॉलिजन्स इज फ्री पाथ एंड द मीन ऑफ दीज फ्री पाथ इज नोन एज मीन फ्री पाथ। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कॉलिजन इज फ्री पाथ। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य की दूरी मुक्त पथ कहलाती है एंड द मीन ऑफ दीज फ्री पाथ इज मीन फ्री पाथ। तथा इन मुक्त पथों का मध्य मध्य मुक्त पथ कहलाता है। तो दो अणु पहले आपस में टकराए थे, उसके बाद में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, फिर किसी तीसरे अणु से जाके टकराते हैं। तो ये जो दो कॉलिजन हुए थे, ये जो दो टक्करें होती है, इन टक्करों के मध्य की दूरी मुक्त पथ कहलाती है। तथा ऐसे सभी मुक्त पथों का मध्य मध्य मुक्त पथ कहलाता है। नाउ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, एक आदर्श गैस का दाब। अब ये कोई हमने चैम्बर लिया है, ये कोई पात्र हमने लिया है, ये एक क्यूबिकल बॉक्स है, घनाकार पात्र है, ये इसकी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है और ये इसकी साइड्स हैं, ये इसकी भुजाएं हैं। लेट द साइड ऑफ क्यूब इज एल, माना इस घनाकार पात्र की भुजा एल है। अब ये इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल या अणु है, इस अणु का वेग C1 बार है। C1 बार इज द वेलोसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल। लेट द कंपोनेंट्स ऑफ C1 इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस आर U1 V1 एंड W1 रेस्पेक्टिवली। माना C1 के एक्स वाई तथा जेड दिशाओं में घटक क्रमशः U1 V1 तथा W1 है। तो C1 का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट U1, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट V1 एंड जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट W1 है। लेट द मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक द वॉल ABCD विथ वेलोसिटी U1। माना अणु पात्र की दीवार ABCD से वेग U1 से टकराते हैं, तो ये इस साइड में जाता है और जाकर इससे स्ट्राइक करेगा, ये इससे टकराएगा, तो इस तरह से मूव कर रहा है और जाकर ABCD से टकराता है। द मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू MU1। एक्स दिशा में अणु का संवेग इज इक्वल टू MU1। M मास ऑफ द मॉलिक्यूल, M अणु का द्रव्यमान है एंड U1
is the velocity of molecule along x direction तथा u1 x दिशा में अणु के वेग का घटक है. So momentum is equal to mass into velocity. इसलिए संवेग बराबर द्रव्यमान into वेग. Since the molecules and the walls are perfectly elastic, so during collision, the velocity of the particles does not change, only its direction reverses. क्योंकि अणु तथा पात्र की दीवारें पूर्णतः प्रत्यास्थ हैं, इसलिए टक्कर के दौरान कण का वेग परिवर्तित नहीं होता है, केवल इसकी दिशा बदल जाती है. तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है आफ्टर कॉलिजन, केवल उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है या डायरेक्शन उल्टी हो जाती है. इन इलास्टिक कॉलिजन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, ओनली इट्स डायरेक्शन रिवर्सेस. तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन की वजह से उसी वेलोसिटी से पार्टिकल ओ एच ई एफ डायरेक्शन में आ जाता है. तो पहले इधर गया था, इस वॉल से जाकर मॉलिक्यूल स्ट्राइक करता है या टकराता है और वापस इस डायरेक्शन में आ जाता है. तो जिस वेलोसिटी से यहां पर गया था उसी वेलोसिटी से या उसी वेग से वापस इस डायरेक्शन में आ जाता है. द मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग एक्स डायरेक्शन आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के पश्चात एक्स दिशा में अणु का संवेग इज इक्वल टू माइनस एम यू वन. सो बिफोर कॉलिजन मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन इज एम यू वन एंड आफ्टर कॉलिजन द मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल along x direction is minus mu1. तो टक्कर से पहले x दिशा में अणु का संवेग mu1 था और टक्कर के बाद में x दिशा में अणु का संवेग minus mu1 हो जाता है. Now change in momentum during one collision. एक टक्कर के दौरान संवेग में परिवर्तन एम यू वन इज माइनस ऑफ माइनस एम यू वन और ये हो जाएगा ट्वाइस एम यू वन. द मॉलिक्यूल ट्रेवर्स टू एल डिस्टेंस विथ द वेलोसिटी यू वन बिफोर स्ट्राइकिंग again to the same wall A, B, C, D. अणु दीवार A, B, C, D से पुनः टकराने से पूर्व U1 वेग से 2L दूरी तय करता है. अब ये 2L डिस्टेंस कैसे तय करेगा? एबीसीडी से वो जाके पहले टकराया था, टकराने के बाद में वापस उल्टी डायरेक्शन में आता है क्योंकि चैंबर की साइड या घन की भुजा एल है. तो एबीसीडी से टकराने के बाद में वापस पीछे आकर दूसरी वॉल से टकराता है, इस दौरान एल दूरी तय करता है और यहां से
वापस टकरा कर एबीसीडी की तरफ जाता है और उस पर जाकर टकराता है। तो वापस लेफ्ट से राइट जब एबीसीडी पर पहुंचता है तो वापस एल डिस्टेंस तय करता है। तो पहले एबीसीडी से लेफ्ट गया था, एल दूरी तय की, और लेफ्ट से वापस राइट आ रहा है, वापस एल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसका मतलब एबीसीडी वॉल या एबीसीडी दीवार से पुनः टकराने से पहले वह यू वन वेग से 2L दूरी तय करता है। द टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कॉलिजन विथ द वॉल्स ए बी सी डी दो क्रमागत टक्करों के मध्य अणु द्वारा तय दूरी में लिया गया समय टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये दूरी अपॉन वेग। तो एबीसीडी से वापस टकराने से पहले इसने 2L डिस्टेंस तय की थी और U1 वेलोसिटी से डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसलिए दूरी अपॉन वेग या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस हमारी 2L और वेलोसिटी U1, तो टाइम आ जाएगा 2L अपॉन U1। तो एबीसीडी दीवार से टकराने में दो क्रमागत टक्करों के मध्य अणु द्वारा लिया गया समय 2L अपॉन U1 होता है। The number of collisions per second, प्रति सेकंड टक्करों की संख्या, मतलब फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति हम निकाल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी होती है टाइम का उल्टा, तो टाइम या समय ये है, तो आवृत्ति इसका उल्टा आ जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति हो गई है U1 अपॉन 2L। सो नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड, प्रति सेकंड टक्करों की संख्या इज इक्वल टू U1 अपॉन 2L। नाउ द चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ड्यू टू कॉलिजन ऑफ दिस मॉलिक्यूल विथ द वॉल ए बी सी डी, द चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड ड्यू टू कॉलिजन ऑफ दिस मॉलिक्यूल विथ द वॉल ए बी सी डी। तो इस अणु द्वारा पात्र की दीवार ए बी सी डी से टक्कर के कारण प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन, अणु द्वारा एबीसीडी दीवार से टक्कर के कारण प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन, ये क्या जाएगा, एक कॉलिजन में चेंज इन मोमेंटम, ये था एक टक्कर में संवेग में परिवर्तन 2mu1 एंड नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकंड है, एक सेकंड में टक्करों की संख्या है u1 अपॉन 2l। तो 2mu1 एंड u1 अपॉन 2l को मल्टीप्लाई कर दो, सो 2mu1 इंटू u1 अपॉन 2l, और यहां पर इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यह आ जाएगा mu1 स्क्वायर अपॉन L। तो प्रति सेकंड संवेग में इतना परिवर्तन होगा, पर सेकंड द चेंज इन मोमेंटम इज एम यू वन स्क्वायर अपॉन एल। नाउ द नेट चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ड्यू टू ऑल द एन मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द फेस ए बी सी डी, अभी तक हमने केवल एक अणु पर चर्चा की थी, अब अगर गैस में एक अणु है और सारे अणु
पात्र की भुजा एबीसीडी पर जाकर टकराते हैं तो इन सभी अणुओं की टक्कर के कारण प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन, द नेट चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ड्यू टू ऑल द एन मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द फेस ए बी सी डी. अभी तक हमने जो वैल्यू निकाली थी वो एक मॉलिक्यूल के कारण थी, यहां पर एन मॉलिक्यूल हैं और अगर उनकी वेलोसिटीज u1, u2, u3, un है x डायरेक्शन के अंदर, तो सभी के मोमेंटम ऐड हो जाएंगे. तो पर सेकंड नेट चेंज इन मोमेंटम अगर निकालें, प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन अगर निकालें, तो क्या आ जाएगा, m u1 स्क्वायर अपॉन l प्लस m u2 स्क्वायर अपॉन l प्लस m un स्क्वायर अपॉन l. तो फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में u1, सेकंड की वेलोसिटी u2 और nth मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है un. प्रथम अणु का x दिशा में वेग u1, द्वितीय अणु का x दिशा में वेग u2 और nवें अणु का x दिशा में वेग un है. तो प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन ये आ जाएगा और m अपॉन l हमने कॉमन ले लिया, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर को हमने सिग्मा u स्क्वायर लिख दिया है. तो ये m बाई l सिग्मा u स्क्वायर. सिग्मा u स्क्वायर का मतलब u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर. नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स. न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है. सो एफ इज इक्वल टू dp/dt. अब यहां पर ये जो हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला है, ये जो संवेग में परिवर्तन है वो पर सेकंड या प्रति सेकंड है, इसका मतलब dt की वैल्यू हो गई 1. तो ये जो dp है, ये जो चेंज इन मोमेंटम है, ये जो संवेग में परिवर्तन है, यही हमारा बल होगा या फोर्स होगा. सो फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द फेस ABCD ऑफ द वेसल, पात्र की दीवार ABCD पर गैस द्वारा लगाया गया बल F इज इक्वल टू m अपॉन l सिग्मा u स्क्वायर. नाउ फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर. प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब होता है. तो p इक्वल टू f/a. तो ये जो फोर्स आया है, इस फोर्स को हम एरिया या क्षेत्रफल से डिवाइड कर देते हैं. तो इस बल को क्षेत्रफल से भाग दे दो तो हमको दाब या प्रेशर मिल जाएगा. अब क्यूबिकल बॉक्स हमारे पास में है, जो ABCD हमने साइड ली है वो हमारी स्क्वायर या वर्गाकार है. इसका मतलब ABCD भाग का क्षेत्रफल L स्क्वायर होगा, क्योंकि वर्ग में क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है. भुजा L है तो क्षेत्रफल आ जाएगा L इंटू L. सिंस इन स्क्वायर द एरिया ऑफ स्क्वायर इज L स्क्वायर. सो प्रेशर ऑन द वॉल ABCD, ABCD दीवार पर लगने वाला दाब PX इज इक्वल टू m अपॉन l सिग्मा u स्क्वायर, जो कि हमारा f था, अपॉन a हमको करना है, क्षेत्रफल से भाग देना है, और ABCD का एरिया हमारा l स्क्वायर, तो PX ये आ जाएगा. अब l इंटू l स्क्वायर हो जाएगा l क्यूब. सी हो गया है m अपॉन l क्यूब
sigma u square. Now, volume of cube, घन का आयतन, v equal to l cube. तो इस l cube की जगह हम कैपिटल v रख सकते हैं. So px is equal to m upon v sigma u square. ये ABCD दीवार पर गैस के अणुओं द्वारा लगने वाले दाब का मान है. इसी तरह से y और z डायरेक्शन में अगर प्रेशर निकालोगे, y और z दिशा में यदि दाब निकाला जाए तो यह आ जाएगा py is equal to m upon v sigma v square and pz is equal to m upon v sigma w square. यहां पर v अणु का y दिशा में वेग एंड w अणु का z दिशा में वेग है. If the size of cube is very small, यदि घन का आकार अत्यंत छोटा हो, तो चाहे x डायरेक्शन में प्रेशर लें, y डायरेक्शन में प्रेशर लें या z डायरेक्शन में प्रेशर लें, तो x, y और z दिशा किसी भी दिशा में यदि दाब निकाला जाए तो उनके मान बराबर होते हैं. इसलिए px equal to py equal to pz और इसको हमने p मान लिया है. तो px को भी p, py को भी p और pz को भी हम p लिखेंगे. तो अगर तीनों को ऐड करते हो तो टोटल प्रेशर की वैल्यू आएगी 3p, क्योंकि px plus py plus pz हो गया 3p. So 3p is equal to m upon v sigma u square plus v square plus w square. और ये हो जाएगा p equal to m upon 3v sigma c square. यहां पर c square equal to u square plus v square plus w square है, क्योंकि ये जो u v w है ये c के x, y तथा z दिशा में घटक हैं. तो p निकालना था इसलिए हमने 3 को नीचे ट्रांसफर कर दिया है. तो p की वैल्यू हमको ये मिल गई है. नाउ c बार स्क्वायर इज इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर अपॉन n, और c बार स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा c स्क्वायर अपॉन n, और सिग्मा c स्क्वायर इज इक्वल टू n c बार स्क्वायर. हियर c बार स्क्वायर इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल द n मॉलिक्यूल्स, सभी n अणुओं के माध्य वर्ग वेग हैं. अब यह फॉर्मूला अभी हमने निकाला था. सिग्मा c स्क्वायर की जगह एन सी बार स्क्वायर हम रख सकते हैं. सो पी इक्वल टू एम एन अपॉन थ्री वी सी बार स्क्वायर. हमने सिग्मा सी स्क्वायर की जगह एन सी बार स्क्वायर यहां पर रखा है, तो ये हमको मिल गया है. नाउ एम इंटू एन इज इक्वल टू कैपिटल एम. कैपिटल एम मतलब टोटल मास ऑफ द गैस, गैस का कुल द्रव्यमान. तो इस एम एन की जगह हम कैपिटल एम रख सकते हैं. एंड एम एन अपॉन वी डेंसिटी ऑफ गैस, गैस का घनत्व. तो एम एन अपॉन वी आ जाएगा रो. डेंसिटी ऑफ गैस को हमने रो से रिप्रेजेंट किया है, गैस के घनत्व को हमने रो से दर्शाया है. एम एन अपॉन वी की जगह हमने रो रख दिया है. सो पी इक्वल टू वन अपॉन थ्री रो सी बार स्क्वायर. ये प्रेशर की वैल्यू या दाब का मान हमें मिल गया है. अब इस इक्वेशन को हमने
2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया है। अब हाफ एमवी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है हाफ एमवी स्क्वायर। अब रो का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं। इसका मतलब यह आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा हाफ रो सी बार स्क्वायर, जिसको हमने ई से डिनोट किया है। तो पी इज इक्वल टू 2/3 ई। हियर ई इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, यहां कैपिटल ई गैस की प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा है। अब अगर इस फॉर्मूले से सी बार स्क्वायर निकालें तो सी बार स्क्वायर आ जाएगा 3P/ρ। सिंस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस, चूंकि गैस में ध्वनि का वेग v² = γ/p/ρ, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, ये गैस में ध्वनि का वेग है। अब इस फॉर्मूले में रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ सेम गैस, एक ही गैस या समान गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है, तो गामा Cp/Cv होता है। स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सीपी एंड सीवी, इन दोनों के रेशियो या अनुपात को हम गामा कहते हैं। अब एक फॉर्मूला ये है, दूसरा ये है, तो यहां से अगर v² / c² निकालें, मतलब इसमें आप इसका भाग दे रहे हो, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा एंड v² / c² आ जाएगा 1/3 γ या γ/3। तो यहां पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं। यहां पर हमने पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के अणुगति सिद्धांत की अभिधारणाएं एंड प्रेशर ऑफ एन एक आदर्श गैस के दाब का व्यंजक स्थापित किया है। सो गुड बाय।